हेलो फ्रेंड्स सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर थर्टीन ऑफ योर टेक्स्ट बुक दैट सेज फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर द कैश बुक ऑफ श्री महेंद्र भाई भट्ट थिंग्स आर गिवन ओपनिंग कैश बैलेंस इज़ देयर ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट इज़ देयर सो जनवरी टू ओपनिंग बैंक बैलेंस एंड ओपनिंग बैंक सॉरी ओपनिंग कैश बैलेंस एंड ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट से शुरू करते हैं दे हैव आस्ट एस टू प्रिपेयर क्या थ्री कॉलम कैश बुक राइट सो लेट्स बिगिन Over here on January 1st to balance brought down and over here January 1st by balance brought down in cash how much it is 3500 in bank six thousand so thirty five hundred over here and six thousand over here then नेक्स्ट गुड्स ऑफ टू थाउजेंड सोल्ड टू पराग इन कैश एट टेन परसेंट कैश डिस्काउंट हमने गुड्स बेचे पराग को इन कैश और हमें हमने उसको टेन परसेंट का कैश डिस्काउंट दिया कि नहीं से पराग ने हमें एटीन हंड्रेड पे करे करेक्ट सो ओवर योर इन माई सेकेंड एंट्री एल बी राइटिंग टू सेल्स अकाउंट टू हंड्रेड का इट विल बी डिस्काउंट एटीन हंड्रेड का कैश रिसीव दैट्स ऑल चलो फिर गुड्स of 4000 थाउजेंड परचेज फ्राम दीपक एट टेन परसेंट ट्रेड डिस्काउंट एंड फाइव परसेंट कैश डिस्काउंट द अमाउंट इज पेड बाय चेक फोर के गुड्स हैं जो हमने दीपक से परचेज करे एट 10% ट्रेड डिस्काउंट के नहीं से 400 कट हुए इट कम्स टू 3600 एंड 5% कैश डिस्काउंट द अमाउंट इज़ पेड बाय चेक सो 180 का हमें कैश डिस्काउंट भी मिला है एंड अमाउंट हमने चेक से पर पे करी हुई है सो इट विल भी थ्री correct so my entry will be like this which date it is fourth date by purchase account इन माई डिस्काउंट कॉलम आई एल बी राइटिंग वन एटी इन माई बैंक कॉलम आई एल बी राइटिंग थ्री फोर टू जीरो आई होप इट इज कम्प्लीटली ऑल राइट विद ऑल ऑफ यू देन नेक्स्ट गुड्स ऑफ रुपीज सेवन थाउजेंड सोल्ड टू अमी अमी पेड फोर्टी परसेंट अमाउंट बाय कैश एंड द रिमेनिंग अमाउंट पेड बाई चेक चेक इज डिपोजिटेड इन द बैंक मतलब हमने अमी को गुड्स बेचे जिसमें से उसने फोर्टी परसेंट हमें कैश से पेमेंट किया और बाकी का उसने हमें चेक से पेमेंट किया सो ओवर योर सिक्स्थ डेट टू सेल्स अकाउंट फोर्टी टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट हंड्रेड कंप्लीटली ऑल राइट फोर्टी परसेंट बाय कैश एंड सिक्सटी परसेंट बाय बैंक चलो फिर चेक ऑफ सिक्स थाउजेंड इज रिसीव्ड विच इज़ इश्यूड बाय गौर टूअर्ड्स द पेमेंट ऑफ इज ओल्ड डेट सिक्स जीरो फाइव जीरो विच इज डिपोजिटेड इन द बैंक चेक ऑफ सिक्स थाउजेंड इज रिसीव रिसीव बाई अस राइट किसके पास से गौराग के पास से पैसे मिले और फिफ्टी रुपीज़ का उसने डिस्काउंट कट करके हमें सिक्स थाउजेंड का चेक दिया जो हमने बैंक में भरा करेक्ट सो माई एंट्री ओवर ईयर वुड बी ऑन एर्थ ऑफ द डेट टू अकाउंट फिफ्टी रुपी ओवर योर एंड सिक्स थाउजेंड ओवर योर कंप्लीटली ऑल राइट चलो फिर सैलरी ऑफ रुपीज टू थाउजेंड पेड बाई एनी एफ टी एंड फाइव पेड फॉर एनी एफ टी चार्जेस वॉट डू इन बाई एनी एफ टी एनी एफ टी मीन्स नथिंग बट द बैंक ट्रांसफर यू मस्ट है होल टॉपिक इन योर सब्जेक्ट कॉल्ड ओ सी एम और बी एस टी राइट सो वहाँ पर आपने ऑलरेडी एनी एफ टी आर टी जी एस सब पढ़ा हुआ है राइट वन ऑफ पेमेंट बाय बैंक डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक करेक्ट सो बैंक में से जब हम ऐसे पेमेंट्स करते हैं कि नहीं से हमारे बैंक अकाउंट में से कुछ ना कुछ पैसे कटेंगे दैट इज नोन एज एन ई एफ टी चार्जेस करेक्ट सो वो भी हमें यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे सो ओवर ईयर टू थाउजेंड की सैलरी पे करी है एंड फाइव रुपये का इट इज़ एन ई एफ टी चार्जेस सो ऑन ट्वेल्थ डेट बाय सैलरी अकाउंट डेफिनेटली इन बैंक का कॉलम टू थाउजेंड

फिफ्टीन हंड्रेड चलो फिर फिफ्टीन फोर्टी वन हंड्रेड डिपोजिटेड इन द बैंक हमने कैश में से बैंक में डिपॉजिट करे फोर्टी वन हंड्रेड कहने से मेरे हाथ में कैश थी वो गई कहाँ गई बैंक में गई अगेन आई एम रिपीटिंग इट फोर्टी वन हंड्रेड मेरे हाथ में थे जो मैंने जाके बैंक में डिपॉजिट करे मेरे हाथ में कैश थी वो गई कहाँ गई बैंक में गई करेक्ट सो मैं एंट्री ओवर हेयर वुड बी बाय बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा का सी इन कैश इट विल बी फोर्टी वन हंड्रेड क्योंकि कैश कॉलम में से जाएंगे पैसे करेक्ट और कहाँ आएंगे पैसे रिसिप्ट कॉलम में बैंक रिसिप्ट साइड पे बैंक के कॉलम में फोर्टी वन हंड्रेड कॉन्ट्रा का सी अगेन सेवेंटींथ डेट टू कैश अकाउंट Completely alright. We studied all this contra entries in our last sums also. So I hope you all are extremely clear with the same right. Chalo. As more funds are required in the business, personal vehicle of 10,000 sold for 8,000 and 7,000 is bought in the biz brought in the business. आई हैव ऑलरेडी क्लियरली टोल्ड यू कि भाई पर्सनली वो खुद बिक जा रहा है घर बेच रहा है गाड़ी बेच रहा है वी आर नॉट कंसर्न विद एनीथिंग वी आर ओनली एंड ओनली कंसर्न कि भाई ये जो सेवन थाउजेंड वो बिजनेस में लेके आया है करेक्ट सो ओवर योर ऑन ट्वेंटी डेट टू कैपिटल अकाउंट इट विल बी सेवन थाउजेंड चलो फेर सिक्स थाउजेंड विद्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर द पेमेंट ऑफ स्कूल फीस ऑफिस डॉटर बैंक में से विद्रॉ करे स्कूल फीस ऑफिस डॉटर राइट मतलब उसकी उसका पर्सनल एक्सपेंस हुआ ये राइट सो ओवर हि ट्वेंटी थर्ड ऑफ द डेट बाई ड्रॉइंग्स हाउ मच इट विल बी सिक्स थाउजेंड चलो फिर नेक्स्ट फाइव हंड्रेड पेड फॉर शॉप रेंट शॉप रेंट पे करा सो ऑन ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ द डेट बाय शॉप रेंट फाइव हंड्रेड दे नेक्स्ट बैंक डेबिटेड थर्टी बैंक कमीशन एंड ट्वेंटी फोर एस एम एस चार्जेस मानी बैंक ने मेरे पास से पैसे लिए थर्टी फॉर कमीशन एंड ट्वेंटी फोर चार्जेस सो माई एंट्री वुड बी बाय बैंक कमीशन थर्टी बाय बैंक चार्जेस ट्वेंटी देन फाइव थाउजेंड डिपोजिटेड इन द बैंक अकाउंट हमने हमारे हाथ में से पाँच हज़ार बैंक में डिपोज़िट करवाए सो so, ओवर योर बैंक में से पैसे गए कहाँ गए रदर सॉरी डिपोजिटेड इन बैंक अकाउंट जो हाथ में से पैसे गए कहाँ गए बैंक में गए राइट सुबह बैंक अकाउंट कॉन्ट्रेक्ट का सी अगेन फाइव थाउजेंड एंड ओवर योर ऑन ट्वेंटी नाइंथ ऑफ द डेट टू कैश अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट का सी वंस अगेन इट विल बी फाइव थाउजेंड आई होप यू ऑल आर कंप्लीटली क्लियर विद द सेम लेट्स मेक द टोटल ऑफ द सेम so here it will be 15100 19300 and 250 here it will be 180 and definitely we are going to write the bigger total on both the sides and over here balance is karenge so on 30th date by balance carried down it will be फिफ्टी फाइव हंड्रेड एंड थ्री ट्वेंटी फाइव जो हम क्या करेंगे जनवरी था सो फेब्रुवरी फर्स्ट को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन इट विल बी फिफ्टी फाइव हंड्रेड एंड थ्री ट्वेंटी फाइव कम्प्लीटली ऑल राइट कम्प्लीटली क्लियर आई होप यू ऑल आर कम्प्लीटली क्लियर विद द सेम विल बी डूइंग द नेक्स्ट सम इन द नेक्स्ट क्लास थैंक यू